स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बेटा जो है हमने आपको जो है फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ पढ़ा दिया था, हालांकि सिलेबस में आप कह नहीं, फिर भी हमने पढ़ा दिया था। अब हम पढ़ेंगे बेटा जो है, ठीक है ना, जो है आपका जो है आपके जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं, इसमें जो है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, ठीक है ना, वो हम जो है डिफरेंट टर्म है, डिफरेंट जो है टर्म है उसके थ्रू हम समझते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में जो होता है, जो एसिड बेस साल्ट होते हैं, इनमें कैसे इलेक्ट्रिक कंडक्शन होता है। तो इस चीज़ को कुछ हम टर्म जैसे रेजिस्टिविटी हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, कंडक्टेंस हो गया, कंडक्टिविटी हो गया, ये सारे टर्म हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब आगे चलिए देखते हैं, सबसे पहला जो टर्म पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, स्पेसिफिक, ये इसी को हम, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आप कहते हैं रेजिस्टिविटी, या इसी को हम क्या कहते हैं, और ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, या इसी को और हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, ये इसके टर्म, इसे किससे डिनोट करते हैं, रो से, किससे, रो से, रो आपका ग्रीक लेटर है, रो RH, ठीक है, रो। ये होता क्या है, देखिए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम जानते हैं आपका जो रेजिस्टेंस होता है R, ठीक है ना, जो R होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, लेंथ ऑफ वायर। रेजिस्टेंस जानते हैं आप लोग, किसी वायर का रेजिस्टेंस हाई है तो उसमें जो कंडक्टिविटी होगा लो होगा, और कंडक्टिविटी अगर हाई है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा आपका, ठीक है ना। जैसे आपका है सिल्वर हो गया, सिल्वर का रेजिस्टेंस लो होता है, गुड कंडक्टर होता है, यानी कि इसमें इजी इजी जो है इलेक्ट्रिसिटी क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है, उसका रेजिस्टेंस लो होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, गोल्ड का रेजिस्टेंस थोड़ा सा उससे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो गुड कंडक्टर आपका जो होता है वो आपका सिल्वर होता है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और जिससे करंट जो होता है वो इजिली फ्लो करता है आपका, ठीक है ना। तो R इक्वल टू L अपॉन A, इसे आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, L अपॉन A, ठीक है ना। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो क्या आता है, R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ठीक है ना, R इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A, ठीक है ना। तो यहाँ से, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, इसको इक्वेशन वन कर दीजिए, और रो इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, रो इक्वल टू R इंटू A अपॉन L, ठीक है ना। और रो इक्वल टू, और R आपका ये कांस्टेंट होता है, ये आपका जो होता है जो रो होता है ये ना तो वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है, ना वायर की एरिया पे डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे सिल्वर जो कंडक्टर है, सिल्वर का जो वायर है उसके लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, ये मटेरियल की आपका जो है ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। जो रो होता है ये किसी भी मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है, कि वो सिल्वर है कि कॉपर है कि गोल्ड है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब अगर कॉपर वायर आपने एक 1 मीटर ले लिया और थिक ले लिया, और फिर 1 मीटर कॉपर और ले लिया, जो है थिक ले लिया और थिन ले लिया, तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका, जो रो होगा वो सेम होगा आप, ठीक है ना। आपने 1 मीटर कॉपर वायर लिया, ठीक है ना, और मान लीजिए उसका जो है थिकनेस है, ठीक है ना, थिकनेस है, ठीक है, तारे मीटर की थिकनेस जो है,
ठीक है, थिकनेस मान लीजिए उसका, मान लीजिए हमारे पास एक कॉपर का वायर, ये एक कॉपर का वायर है, इस कॉपर वायर का जो लेंथ है वो 1 मीटर है और इस कॉपर का जो लेंथ है वो 2 मीटर है। ये भी आपका सी यू वायर है और इधर क्या है, सी यू वायर है, ठीक। अब देखते हैं इसका जो थिकनेस है, मतलब या एरिया कह दीजिए, एरिया, एरिया जो इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका जो एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका जो एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया जो वायर का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 सेंटीमीटर, तो दोनों का रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका, रो, रो दोनों के लिए क्या होगा आपका, सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो रो है आपका वो आपका जो है, भले फार्मूले में दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, रो ना तो लेंथ की वायर पे और ना जो है आपका क्या करेगा, आपका जो है एरिया क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, ये मटेरियल के नेचर पर। कॉपर है, अगर यहीं पर हम सिल्वर ले लेते तो सिल्वर और कॉपर का रो अलग अलग होगा। जो रो होगा आपका, इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहते हैं, ये जो है मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है आपका, ठीक है ना। जो है किसी भी वायर के जो होता है लेंथ एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पे क्या करता है, वायर, किसी भी वायर के लेंथ और एरिया पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर किसी वायर का लेंथ हाई है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, और एरिया क्रॉस सेक्शन अगर आपका लो है तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, हाई होगा। एरिया क्रॉस सेक्शन अगर हाई है, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, लो होगा। जैसे हमने कहा कॉपर की 2 वायर हैं, ठीक है ना, ये 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर लेंथ है, कॉपर की 2 वायर है, दोनों का लेंथ 1 मीटर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो इसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि थिक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका ज़्यादा है आपका, यानी कि ये जो वायर होगा आपका मोटा होगा और जिसका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वायर क्या होगा आपका, थिन होगा, ठीक है ना। तो थिक वाले का क्या होगा, इसका यानी कि रेजिस्टेंस किसका कम होगा आपका, ठीक है ना, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा जिस वायर का, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब करंट इजिली फ्लो कर जाएगा आपका, ज़्यादा नहीं, इजिली फ्लो कर जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए फिर बताएं हम। रेजिस्टेंस आर, ठीक है ना, इज गिवन बाय, इज गिवन बाय, हो गया, यहाँ लिखेंगे वेयर, ठीक है ना, वेयर जो रो है, ठीक है ना, इज दी, इज दी, ठीक है ना, इज दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इज दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इज दी स्पेसिफिक रो, इज दी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और एल क्या है आपका, ये लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर या लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर कहिए या वायर कहिए, ठीक है ना। और ए क्या है आपका, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। बोलो बेटा इसमें किसी को कन्फ्यूजन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी से कहते हैं, इसको हम रो से नोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस आर इज गिवन बाई, ठीक है ना, आर इज गिवन बाई, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, तो जब प्रोपोर्शन हटता तो एक कांस्टेंट आता है, आर इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए, यही रो क्या होता है आपका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना। तो रो इक्वल टू क्या होता है, आर इनटू एल अपॉन ए, रो जो होता है
आपका जो होता कांस्टेंट होता आपका रो, तो ये किसी भी वायर के लेंथ पर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये आपका मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करता है कि जो कंडक्टर है, जो वायर है, वो आपका कॉपर का है कि सिल्वर का है, ठीक, कि गोल्ड का है, कि एल्युमिनियम का है, कि आयरन का है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अगर किसी वायर का लेंथ, मान लीजिए कॉपर हमारे पास, हमने जो एग्जांपल आपको बताया था, ठीक है ना, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ें। हो गया बेटा नोट, नोट हो गया, बताइए आगे बढ़े तो, नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया आपका, ठीक है। अभी यूनिट यूनिट इसके सारे बताने हैं, स्पेस नहीं है, हेडिंग यही रहने दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो रो इज दी जो होता है स्पेसिफिक कंडक्शन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी, और ठीक है ना, और रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करता है भी लिखा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, एड्स, ठीक है ना, एड्स वैल्यू its value depends on the material of the conductor, मतलब जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है, कॉपर का है, गोल्ड का है, सिल्वर का है, एल्युमिनियम का है, किसका है, on the material of the conductor। मटेरियल ऑफ दी कंडक्टर, ठीक है ना, ठीक, नोट कीजिए इसके बाद, देखिए, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है ना, आपका जो है एसआई यूनिट, देखिए एसआई, इसे हम कहते हैं एसआई यूनिट, यूनिट ऑफ रो, ठीक है ना, ठीक है ना, आर एच ओ, ठीक है ना, एसआई यूनिट ऑफ रो, ठीक है ना। क्या होता है आपका, आपने पढ़ा बेटा, रो इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ए अपॉन एफ, ठीक बेटा। तो आर की यूनिट क्या होती है, ओम, क्या होता है आपका, ओम, ठीक है ना, आर की यूनिट क्या होती है, ओम, ओ एच ओम, और एरिया का क्या हो जाएगा बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन लेंथ का क्या हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर कीजिए, एसआई बना रहे हैं ना, तो मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका, लेंथ क्या हो जाएगा, मीटर, तो मीटर मीटर कट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एसआई में, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको बताइए, ओम मीटर, ओम मीटर। अगर सिंबल फॉर्म में कहेंगे तो आर, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ओम को सिंबल में मैं से लिखते हैं, ओम मीटर, ठीक है ना, ओमेगा, इसे कैपिटल ओमेगा कहते हैं, ठीक है ना, ओम, ओम मीटर, ठीक है ना, या ओम, ये ओम का सिंबल हो जाएगा, और मीटर को स्मॉल एम से लिखते हैं, जानते ही हैं, ठीक है ना, ओम मीटर हो जाएगा आपको, ठीक है ना, लिखिए, ठीक। और सीजीएस यूनिट में क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट यूनिट ऑफ रो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू एल अपॉन ए इक्वल टू, यहाँ से रो का क्या हो जाएगा, ओम, और इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, रो इक्व टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना, ओम सेंटीमीटर। ये सिंबल फॉर्म में कहेंगे तो ओम का सिंबल ये होता है, ठीक है ना, और आपका जो होता है, ठीक है ना, इसका सीएम हो जाएगा, ठीक है ना, सेम हो जाएगा,
यहाँ डॉट लगा देते हैं, नोट कर लीजिए इसकी, नोट कीजिए फिर आगे बताएं। बेटा एवरीथिंग इज क्लियर? बोलो बेटा, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर हैं? बोलो बेटा, वॉइस एंड वीडियो दोनों क्लियर हैं? ठीक, खाना बता दिया कि नेचर बेटे बता बेटे पे? ठीक है, आउट हो गया जी। देखिए आपका जो है सीजीएस यूनिट है, आपका सीजीएस यूनिट ऑफ रू जो है रू मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, नोट कीजिए। तो आगे चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये जो है इसे हम क्या कहते हैं, ठीक है ना, ये और ये दोनों क्या है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है, ठीक है ना, ग्रीक लेटर है। इसमें जो ये है आपका इसे हम ओमेगा कहते हैं, क्या कहते हैं, ओमेगा, और ये ओमेगा जो होता है कैपिटल लेटर है, कैपिटल लेटर। एक ओमेगा आपने ये पढ़ा होगा, ये एंगुलर वेलोसिटी से कहते हैं, जब रोटेटरी मोशन फिर इसमें पढ़ेंगे ओमेगा ऐसे, ठीक है ना, तो ये होता है इसे भी ओमेगा कहते हैं, ओमेगा। लेकिन ये क्या होता है, स्मॉल लेटर होता है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल, कैपिटल बी स्मॉल भी है कि नहीं है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, ऐसे आपका ओमेगा, ओमेगा जो होता है वो कैपिटल में ऐसे होता है और स्मॉल में ओमेगा ऐसे होता है, ठीक है ना, कैपिटल में ओमेगा आपका ऐसे होता है, सिग्मा है, ठीक है ना, सिग्मा स्मॉल सिग्मा ऐसे होता है, जो ये आपका ये है सिग्मा, इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा, सिग्मा, और ये जो सिग्मा होता है ये स्मॉल सिग्मा होता है, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर है आपका, ठीक, जो ये कैसे होता है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, ये भी क्या है आपका सिग्मा, ये भी क्या है आपका सिग्मा, लेकिन ये क्या होता है आपका कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल, कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर होता है, नोट कर लीजिए इसको फिर आगे बढ़ो। चलिए आगे देखते हैं, अब एक चीज ये आपका है कि जो है 100 इंटू ओ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, ठीक है ना, इक्वल क्या हो जाएगा आपका ओ मीटर, ओ मीटर हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 ओम मीटर इक्वल्स टू 0.01, ठीक है ना, ओम, ठीक है ना, 1 ओम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 0.01 ओम मीटर। इसमें कुछ किया नहीं गया है, ठीक है ना, क्योंकि ओम सेंटीमीटर था, ओम सेंटीमीटर को अगर मीटर में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सेंटीमीटर को, ठीक है ना भाई, 100 था आपका, ठीक है ना, आपका जो है ओम सेंटीमीटर है आपका, ठीक है ना, अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किसके इक्वल होगा, मीटर के इक्वल हो जाएगा आपका। यहाँ पे ओम सेंटीमीटर क्या है आपका, जो मीटर, अगर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा, ठीक,
नोट कर लीजिए। हो गया, नोट लिखिए। ठीक है, आईयूपीएसी आपका रिकमेंडेड द टर्म रजिस्टिविटी फॉर स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन रो। ठीक है, रजिस्टिविटी को जो है आपका जो है, ठीक है ना, हम जो है स्पेसिफिक जो है रजिस्टिविटी कहें, ये इसको जो है रिकमेंड किया जो आईयूपीएसी ने। आईयूपीएसी, ठीक है ना, रिकमेंडेड रिकमेंड्स द टर्म रजिस्टिविटी फॉर स्पेसिफिक रजिस्ट्रेंस। ठीक, रेजोल्यूशन क्या हो जाएगा, रो। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा हम, कंडक्टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कंडक्टेंस क्या होता है बेटा? कंडक्टेंस को हम कैपिटल सी या कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस को हम, ठीक है ना, कैपिटल सी या कैपिटल जी से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जो कंडक्टेंस होता है वो सी या जी इक्वल टू होता है बेटा 1/ρ, 1/r, सॉरी क्या होता बेटा, 1/, ठीक है, r क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। तो कंडक्टेंस होता है, ठीक है ना, यानी कि अगर किसी वायर का कंडक्टेंस हाई है तो रेजिस्टेंस लो है, और रेजिस्टेंस अगर हाई है तो कंडक्टेंस क्या होगा, आपका लो होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका है। तो कंडक्टेंस को हम कैपिटल सी या कैपिटल जी से डिपेंड कर, जो है कैपिटल सी या कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैपिटल जी या कैपिटल सी क्वेश्चन होता है 1/r, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है ना, कंडक्टेंस ये बताता है, बताता क्या कंडक्टेंस, कंडक्टेंस ये बताता है कि किसी भी वायर में आपका करंट कितने इजीली फ्लो कर जाएगा। जैसे हमने कहा बेटा हमारे पास दो वायर है, ये दो वायर है, इन दोनों का जो लेंथ है इसका भी 1 मीटर है, इसका भी 1 मीटर है। इसका जो है ये वायर, जो पहला वायर है ये सिल्वर का है, जो सेकंड वाला वायर है ये कॉपर का है। ये सिल्वर वायर है और ये कॉपर वायर है, दोनों का लेंथ 1 मीटर है। अब हमने कहा इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है वो फास्ट फ्लो कर जा रहा है, क्या कर रहा है, फास्ट। और जो कॉपर वायर में, इसमें जो है थोड़ा सा इससे कम फास्ट फ्लो कर रहा है आपका, मतलब आपका कॉपर वायर में जो करंट या चार्ज फ्लो कर रहा है वो फास्ट फ्लो कर रहा है, और इसमें करंट या चार्ज फ्लो की जो स्पीड है वो थोड़ा सा सिल्वर से कम है इस वायर में। कॉपर वाले वायर में जो चार्ज या करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, उसकी जो स्पीड है वो थोड़ा सा सिल्वर वाले से कम है। तो अब हम आपसे पूछें कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा हुई, सिल्वर वाले की कि कॉपर वाले की, ठीक है ना, सिल्वर वाले की, क्योंकि आपका कंडक्टिविटी बताता ही है। अगर किसी भी वायर की कंडक्टिविटी अच्छी है तो यानी कि उसमें क्या हो जाएगा, आपका इजीली करंट क्या कर जाएगा, आपका फ्लो कर जाएगा। फास्ट फ्लो का मतलब क्या होता है, इसमें इजीली करंट फ्लो कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो सब में सेम होगा आपका, ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, करंट इजीली फ्लो कर जाएगा आपका, चार्ज इजीली फ्लो कर जाएगा आपका, ठीक है ना। और इसमें क्या हो जाएगा आपका करंट, इसकी इसमें जो करंट आपका या चार्ज जो फ्लो करेगा उससे थोड़ा सा कम स्पीड में, या कह दीजिए जो है आपका इजीली फ्लो नहीं करेगा, इसमें बहुत आसानी से फ्लो कर जाएगा आपका, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा कम आसानी से। तो ये चीज़ है आपका, तो यही बताता है कि इजी मेथड में आपका करंट कैसे फ्लो करता है या चार्ज कैसे फ्लो करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका, चलिए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस डिस्क्राइब द इजी, ठीक है ना, देखिए कंडक्टेंस डिस्क्राइब द इजी विथ विच
with current flow, which with current, with current, which with which current flow through a conductor, current flow, flow through a conductor, through a conductor. करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, या आपका ये हो जाएगा दूसरा इनवर्टेड कॉमा में लिखेंगे डिफरेंस, ठीक है ना, इनवर्टेड कॉमा में क्या हो जाएगा आपका, इट इज दी, इट इज इक्वल टू दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू दी, इक्वल टू दी, इक्वल टू दी रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू दी, मतलब आपका जो, मान लीजिए दो कंडक्टर हमारे पास, एक सिल्वर का है, एक आपका जो है कॉपर का है, तो जो सिल्वर वाले में जो करंट या चार्ज जो फ्लो करेगा वो इजिली फ्लो कर जाएगा, ठीक है ना, और इसमें थोड़ा इजी फ्लो नहीं करेगा, किसने, आपका कॉपर वाले, ठीक है ना, तो कंडक्टेंस किसकी अच्छी है आपका, सिल्वर वाले की, ठीक है ना, तो इट इज इक्वल टू दी रेसिप्रोकल, इट इज इक्वल टू दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस किससे लिखते हैं, कैपिटल आर से, फुल स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा क्लोज, नोट कर लीजिए फिर आगे बताएं। अब देखिए आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, आपका C इक्वल टू C या G इक्वल टू 1 बाई R, ये फार्मूला, नोट कीजिए बेटा, तो बता रहे ठीक, तो अब यूनिट क्या हो जाएगा आपका, यूनिट, ठीक है ना, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ कंडक्टेंस मतलब सी और कैपिटल जी, कैपिटल सी और कैपिटल जी क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, पर ओम, या और कह सकते हैं हम, ठीक है ना, पर ओम, या इसका सिंबल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ओम का सिंबल क्या होता है ऐसे, ठीक है ना, पर ओम, या और क्या कहेंगे भाई, आपका जो कंडक्टेंस होता है वो इनवर्स होता है आपका जो है रेजिस्टेंस के, तो आपका रेजिस्टेंस यूनिट, रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है, ओम, इसका इसको और कह सकते हैं महो, एम एच ओ, महो, ये पूछा गया एक बार कंपटीशन, महो, ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, महो भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, इस यूनिट को सीमेंस, क्या कहते हैं, सीमेंस, या आपका एस, सीमेंस, ठीक है ना, कैपिटल एस आपका सिंबल होता है, इसी इसकी यूनिट सीमेंस भी होती है, एस आई ई एम ई एन, सीमेंस, ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ें, आगे देखते हैं इसको नोट करने के बाद। अब न्यू टॉपिक हम पढ़ते हैं बेटा, आपका स्पेसिफिक जो होता है, ठीक है ना, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक, ठीक है ना, कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो केवल कंडक्टेंस है, ये क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस,
इसी को और हम क्या कहते हैं बेटा, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं कंडक्टिविटी। इसे ग्रीक लेटर कप्पा, कप्पा जैसे हमने बनाया से बनाइएगा कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं ग्रीक लेटर कप्पा। के बनाएंगे थोड़ा सा इसे टेढ़ा मेढ़ा कर दीजिएगा आप, ठीक है ना, कप्पा हो जाएगा आपका। कप्पा हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कप्पा जो होता है, ठीक है ना। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को जो है रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल आपका जो है कप्पा, और ये स्पेसिफिक जो होता है इट इज रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक जो होता है रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जो कप्पा होता है, कप्पा कप्पा ये जो होता है इक्वल क्या होता है आपका 1/2। ठीक है ना, यहाँ पे जो रो होता है ये क्या होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होता है, ठीक है ना, जो रो होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या क्या होता है रेजिस्टिविटी होता है आपका, ठीक है ना। तो जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी होता है उसे हम कप्पा कहते हैं। कप्पा जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है आपका 1/ρ के, यानी कि रेजिस्टिविटी के, ठीक है ना। तो वही लिख लेते हैं सीधे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, इट इज द रेसिप्रोकल, ठीक है ना, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो प्रेस्टा, ठीक। इट इज डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर कप्पा, डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर कप्पा, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या जाएगा आपका, कप्पा इक्वल्स टू 1/ पहला फार्मूला ये किया हो गया, इसके क्वेश्चन फर्स्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और वी नो दैट जानते हैं कि रो इक्वल टू क्या होता है आपका आर इंटू ए अपॉन इक्वेशन टू कर दीजिए, ये भी आपने पढ़ा है, यही तो पढ़ा आपने, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ठीक है ना। तो यहाँ से रो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R इंटू ए अपॉन एल, आर इंटू ए अपॉन एल, ये हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। अब रो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बोलिए, ठीक है ना। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट Put the value of equation second in equation first, ठीक है ना। क्या कीजिए आप, equation second की value को क्या कर दीजिए, first में put कर दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्या मिल जाएगा हमको बताइए। कप्पा इक्वल्स टू ये इसको वन अपॉन रखेंगे तो एल अपॉन आर इंटू ए होगा, इसको नोट कीजिए तो बताएं, आगे नोट कीजिए, आगे बताएं, ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दें,
हो गया बेटा, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहां से कप्पा इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, एल अपॉन आर इंटू ए। एक इक्वेशन ये हो जाएगा आपको, इक्वेशन कितना हो जाएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड हो जाएगा आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसको हम ऐसे भी ले सकते थे, ठीक है, आपका जो है एक ये हो जाएगा आपको, आपने पढ़ा, इसको नोट कर लीजिए, तो आगे बताएं। ठीक है ना, ये हुआ। अब कप्पा की जगह हम क्या ले सकते हैं, देखिए कप्पा इक्वल टू जो था, कप्पा इक्वल टू था वन बाई रो था, और रो की वैल्यू हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया यहाँ पे, ठीक है ना। रो की वैल्यू क्या कर दिया हमने, रो की वैल्यू जब पुट कर दिया, ठीक है ना, तो आपका ये आया हमको। आप इस कप्पा की जगह हम क्या ले सकते हैं बताइए, कप्पा की जगह वन बाई रो इक्वल टू आर अपॉन एल अपॉन आर इंटू ए ले सकते हैं, बोलिए। कप्पा की जगह हम वन बाई क्या ले सकते हैं, रो ले सकते हैं, वन बाई रो इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू आर, ए इंटू ए इंटू या आर इंटू ए, बात एक ही है, ठीक है ना। एक इक्वेशन ये कर दीजिए, इसके इक्वेशन फोर कर दीजिए, ठीक है। अब कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, ठीक है ना। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपका जो है कप्पा, ठीक है ना। कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, ठीक है ना, कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, कंडक्टेंस इक्वल टू कंडक्टेंस, इसको किसे लिखेंगे, कैपिटल जी, ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा आपका एल बाई ए, एल बाई ए, ठीक है ना, एल बाई ए। भाई वन बाई आर की जगह क्या ले सकते हैं, वन बाई आर की जगह क्या ले सकते हैं, कंडक्टेंस ले सकते हैं, बोलिए भाई। आप यहाँ लिख देते हैं, सिंस सी या जी इक्वल टू आपने पढ़ा है क्या, वन बाई, यही वन बाई आर की जगह जो है, वन बाई आर की जगह क्या लिख दिया आपने, सी या जी लिख दिया इंटू एल अपॉन ये लिख दिया आपका, ठीक है ना, ठीक है ना। और जो है इसको इक्वेशन आप कितना कर दीजिए, फाइव कर दीजिए, ठीक है ना, फाइव कर दीजिए, ठीक है, फाइव कर दीजिए। यहाँ अगर लिखना चाहेंगे तो आप अलग से लिख लीजिए, बाई रो इक्वल टू कप्पा और कामा वन बाई आर इक्वल टू जी, जी लिखिए या सी लिखिए, ठीक है ना, ठीक है। अब आपका जो होता है,
करेंगे एल अपॉन सिंस एल अपॉन ए इक्वल टू जो होता है वो सेल कांस्टेंट होता है. क्या होता है? सेल कांस्टेंट. ठीक है ना एल अपॉन ए इक्वल टू क्या होता है? सेल कांस्टेंट. ठीक है ना. तो आपका जो है स्पेसिफिक जो है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक ठीक है ना स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्ट स्पेस नहीं बेटा ऊपर वाला थोड़ा सा मिटा दें ऊपर वाला मिटा देते हैं. ठीक यहाँ से सिंस एल अपॉन इक्वल टू सेल कांस्टेंट. ठीक है ना. तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. ठीक है ना. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम? कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? कंडक्टेंस मतलब आपका सी इंटू सेल कांस्टेंट. ठीक है ना. ठीक है. अब आपका जो होगा कप्पा इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा. ठीक है ना. कप्पा इक्वल टू ठीक है ना सेल कांस्टेंट ये हो जाएगा. इसको नोट कर लीजिएगा. एक फार्मूला है नोट कर लीजिए फिर आगे बताते हैं. नोट कीजिए फिर आगे बताते हैं. बस पांच ठीक है ना. ये हो गया आपका. ठीक है ना. और हमने एल बाई एक क्वेश्चन लिख ही दिया था. सेल कांस्टेंट है आपका. ठीक है ना. हाँ लिखेंगे इफ आपका जो फार्मूला था कप्पा इक्वल टू सी इंटू एल बाई ए था. सी इंटू एल बाई ए था. ठीक है ना. अब लिखें इफ आपका एल इक्वल टू वन मीटर इफ एल इक्वल टू वन मीटर और ए इक्वल टू वन मीटर स्क्वायर देन अगर एल की जगह वन रख दें और ए की जगह वन रख दें तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो स्पेसिफिक कंडक्टर कंडक्टिव किसके इक्वल हो जाएगा? सी या बोलो भाई एल इक्वल टू वन और ए इक्वल टू वन रख दें तो आपका कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी या जी. ठीक है ना. और सेल कांस्टेंट को भी आगे पढ़ेंगे. जी स्टार से डिनोट करते हैं. सिंपल होता है सेल कांस्टेंट का. ठीक है. हो जाएगा आपका. ठीक है ना. अब यहाँ से डिफिनेशन क्या निकल जाएगा आपका? डिफिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी का डिफिनेशन. कंडक्टिविटी मतलब कप्पा. अब देखो इसी डिफिनेशन रटना नहीं है बेटा. इसी फार्मूले से निकल जाएगा. इसी फार्मूले से तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या आपका जो होता है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ठीक है ना इज द कंडक्टेंस. ठीक है ना. आपका
किसी भी कंडक्टर का अगर आपका जो है एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो, तो उस कंडक्टर का जो कंडक्टिविटी होगा वो कंडक्टेंस के इक्वल होगा, या जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगा, जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगा, जो कंडक्टेंस होगा वही क्या होगा आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस होगा। इस वाले फार्मूले से ये प्रूव हो गया। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ठीक है ना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल is the conductance when it is 1 meter long, when it is 1 meter long and its area of cross section is 1 meter square, ठीक, फुल स्टॉप। ये डिफिनेशन हो गया बेटा, ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ठीक। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द कंडक्टेंस लॉन्ग एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर हो, तो आपका जो है किसी भी मटेरियल का जो कंडक्टेंस होता है, ठीक है ना, या किसी भी मटेरियल का जो कंडक्टिविटी होता है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, वो उस मटेरियल के कंडक्टेंस के इक्वल होता है, ठीक है। तो बेटा आज इतना ही रहने देते हैं, अब ये कंप्लीट हो गया। थोड़ा यूनिट बता दें इसके बारे में, यूनिट देख लीजिए क्या हो जाएगा, मिटा दें बेटा इसको, नोट हो गया। तो यूनिट देख लीजिए, इसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट कर देते हैं तब छोड़ते हैं, जाइएगा नहीं आप लोग, और जाइएगा तो कट मत कीजिएगा, थोड़ा सा भी रह गया, ठीक है ना, कितना टाइम बचा देखें, 20 से 5 मिनट और देख लीजिए, बस हो जाएगा कंप्लीट ये। अब यूनिट ऑफ हेडिंग डालेंगे, ओके, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी और कंडक्टिविटी, ठीक। तो आपने कप्पा इक्वल टू क्या पढ़ा है, कप्पा इक्वल टू आपने पढ़ा कंडक्टेंस इंटू एल बाई, यही तो पढ़ा है आपने। तो यहाँ से कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है मालूम है आपका, पर ओम, ठीक है ना, कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगा आपका ओम, ठीक, और इसका हो जाएगा आपका, ठीक है ना, सेंटीमीटर में थे सीजीएस में, तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कप्पा इक्व टू, बोलिए, ठीक है ना, पर ओम और पर सेंटीमीटर, ये होगा पर ओम
ठीक है ना, पर सेंटीमीटर। अगर सिंबल फॉर्म में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, पर ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ठीक है ना। ये आपका सीजीएस यूनिट है, कैसा है, सीजीएस, सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है ना, ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना, सीजीएस यूनिट है। एसआई यूनिट हो जाएगा आपका सीमेंस पर मीटर, क्या हो जाएगा, सीमेंस पर मीटर। ये एस क्या है आपका, सीमेंस, सीमेंस एसआई, ठीक है ना, एसआई यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सीमेंस पर मीटर, ठीक है, नोट कर लीजिए आपका, ये भी नोट कर लीजिएगा आपका, वन सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, ओ सॉरी, वन सीमेन पर सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हंड्रेड इंटू, हंड्रेड इंटू, हंड्रेड इंटू सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर आगे, ठीक है, हो गया, नोट कर लीजिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, एसआई यूनिट सीजी यूनिट यूनिट, ठीक है ना, हो गया। अब एक नोट लिखना है आपको, कि ऐसे समझ लीजिए कि आईयूपीएसी रिकमेंडेड द यूज ऑफ टर्म कंडक्टिविटी फॉर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो पहले कंडक्टिविटी हम जानते थे, लेकिन आईयूपीएसी जो संस्था है, जो स्विट्जरलैंड की जिनेवा में स्थित है, उसने कंडक्टिविटी का दूसरा नाम क्या दे दिया, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो आपका वर्ड है, इसको किसने दिया, आईयूपीएसी ने दिया, सुन लीजिए, ठीक है ना, इसको आईयूपीएसी ने दिया, ठीक है ना, इसको आईयूपीएसी ने दिया आपका, ठीक है ना। और हमने आपको सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट दोनों बता दिया, सीमेंस पर मीटर एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा आपका, सीजीएस यूनिट पर ओम पर सेंटीमीटर, ये सिंबल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना, या ठीक है, या आपका सीमेंस पर सेंटीमीटर, सीमेंस पर सेंटीमीटर, और वन सीमेंस पर सेंटीमीटर क्वेश्चन क्या होता है, 100 इंटू, नोट कर लीजिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम होता ही होता, ठीक है ना। तो आज इतना ही रहने देते हैं, तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट स्टेज।